लगा है मुझे जी, बड़ी हिम्मत का काम है, लोग भी ले के गए हैं। दोस्तों हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं दुनिया में मौजूद 7 अजूबों में से सबसे पुराने अजूबे जिसको हम लोग उर्दू में अहराम मिस्र कहते हैं और इंग्लिश में ग्रेट गीज़ा पिरामिड भी कहते हैं, पर मौजूद हूँ दोस्तों। कॉम्प्लेक्स में जो एंट्री की फ़ीस है वो 450 से 550 इजिप्शियन पाउंड है, जबकि जो ग्रेट पिरामिड है यानी जो खुफू यानी फिरौनों के दादाजी की जो कब्र की जो मकबरे की एंट्री फ़ीस है वो 900 इजिप्शियन पाउंड है। दोस्तों अगर पिरामिड में शाम में कभी कभार जो है वो लाइट्स साउंड शो होता है उसकी फ़ीस तकरीबन 300 जो है वो इजिप्शियन पाउंड है। एक आपको बताता चलूं कि टिकट आप जो है वो नकद नहीं ले सकते क्योंकि टिकट काउंटर के पास लोकल मिस्री एजेंट बैठे होते हैं, वो तकरीबन आपका एक्स्ट्रा जो है वो 100 पाउंड चार्ज करते हैं और आपको टिकट ख़रीद देते हैं। लोकल स्टूडेंट के लिए एंट्री फ़ीस दोस्तों आधी है। मैंने एक गाइड हायर किया है क्योंकि खासा बड़ा कम्प्लेक्स है और अगर आप हॉर्स राइड या कैमल राइड या टांगा जो है जिसे आम फैम में हम कहते हैं किराए पर लेना चाहते हैं तो जो फीस है यहाँ वो बाहर लिखी हुई है एंट्री के वक्त आप देख सकते हैं 500 इजिप्शियन पाउंड है, जो कि 15 से 20 मिनट की आपको राइड देते हैं। जबकि अंदर अगर अपनी मर्ज़ी से आप पूरा चक्कर लगाना चाहते हैं कम्प्लेक्स का, जिस तरह पैनोरामिक व्यू देखना चाहते हैं और जहाँ तीनों इकट्ठे नजर आए और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ आपको 9 पैरामीटर इकट्ठे दिखाई दें तो लेफ़्ट साइड से शुरू करें, जो ही दाखला है एंट्री है उससे और फिर सहरा की रेत को छानते हुए आप पहुंचेंगे 3 बड़े मकबरों यानी अहराम मिस्र के 3 बादशाहों की कब्र पर। ये जी पैरामीटर इसका मैंने लिया हुआ है, गालबंद दूसरी तरफ जाना है, काफ़ी बड़ा पैरामीटर जी, बड़ी हिम्मत का काम है, लोग भी ले के गए हैं। व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं, जो ये कम्प्लेक्स है इसमें टोटल 9 पैरामिड्स हैं जिनमें से 3 बड़े और जबकि 6 छोटे पैरामिड्स हैं। दोस्तों उस वक्त जो बादशाह थे उनको पैरूस कहा जाता था आम फैम में और हम लोग इन्हें फिरौन कहते हैं। यहाँ 3 बड़े फिरौन जो बाप बेटा और पोता 3 नस्लों के मकबरे हैं, जिसमें से दादाजी जो हैं वो कूफो किंग कूफो और उनके बेटे जो हैं वो सेंटर में जिनका मकबरा है वो काफ्रे है और तीसरा मैनक्योर के लिए बनाए गए थे। व्यूअर्स ये बड़े पैमाने पर मकबरों के तौर पर तमीर किए जाते थे और हज़ारों सालों से इंसानों के बनाए हुए सबसे ऊँचे स्ट्रक्चर जो है वो तसव्वुर किए जाते थे। गीज़ा के जो अहराम हैं वो मिस्र के सबसे बड़े अहराम तसव्वुर किए जाते हैं और ये फिरौन जो उस वक्त किंग कूफो के मकबरे के तौर पर जो है ये कम्प्लेक्स काम करता था, जिसने पुरानी सल्तनत के चौथे ख़ानदान के दौरान हुकूमत की सन 2600 कबल मसीह में। तकरीबन 26 साल के अरसे में अहराम
कदीम दुनिया के 7 अजायबात जो कि 7 वंडर में सबसे कदीम है और वाहिद अजूबा है जो बड़ी हद तक आज भी अपनी पोजीशन में अपनी हालत में बरकरार है। ये गीज़ा के अहराम या गीज़ा पैरामिड कम्प्लेक्स की सबसे मशहूर यादगार है जो यूनेस्को ने एक इसे आलमी सकाफती विरसे की जगह मेमिफाइज और नेक्रोपोलिस का हिस्सा हैं। दोस्तों ये गीज़ा के 3 अहम पैरामिड्स की लाइन के शमाल मशरकी सिरे में वाक़िया है। इब्तदाई तौर पर ये 146.6 मीटर यानी 481 फुट पर खड़ा अजीम अहराम 3,800 साल से ज़ाहिद अरसे तक दुनिया का सबसे ऊंचा इंसानी साख्ता जो है वो मॉडल तसव्वुर किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादातर हमवार सफ़ेद चूने के पत्थर के सांचे को हटा दिया गया था जिसने अहराम की ऊंचाई को मौजूदा 138.5 मीटर यानी 454 फुट तक महदूद कर दिया। विवाद आज जो नज़र आता है वो बुनियादी ढांचा है। बुनियाद की जो पैमाइश है तकरीबन 230 मीटर यानी 756 मुरबा फुट थी जिसका हजम तकरीबन 2.6 मिलियन क्यूबिक मीटर या आप ऐसे समझ लें 92 मिलियन क्यूबिक फीट है जिसमें एक अंदरूनी पहाड़ी भी शामिल है। ग्रेट पैरामिड के तूलो अर्ज में 280 शाही हाथ यानी 146 मीटर या आप कह सकते हैं कि 481 फुट ऊंचे थे जिसकी बुनियाद की जो लंबाई थी वो 230 मीटर या आप कह सकते हैं कि 756 फुट थी। जो ग्रेट पैरामिड है कूफू उसको एक अंदाजे के मुताबिक 2.3 मिलियन बड़े ब्लॉक्स की खुदाई के ज़रिए बनाया गया था और जिसका वज़न मजमूई तौर पर 6 मिलियन टन था। पत्थरों की अक्सरियत साइज़ या शक्ल में यकसा नहीं थी। बाहर की जो परतें हैं वो मार्टर से जुड़ी हुई थी। इसकी तामीर के लिए बुनियादी तौर पर गीज़ा प्लेटू का मकामी चूने का पत्थर इस्तेमाल किया गया था। दीगर ब्लॉक्स कश्ती के ज़रिए दरिया नील पर दरामद किए गए थे। किंग चैम्बर के ढांचे के लिए तोरा से सफ़ेद चूना पत्थर और अस्वान से ग्रेनाइट के ब्लॉक्स जिनका वज़न तकरीबन 80 टन था लाए गए थे। दोस्तों जो ग्रेट पैरामिड है कूफू का उसके अंदर 3 मारूफ चैम्बर हैं। सबसे निचला हिस्सा बेड रॉक में काटा गया था जिस पर यह अहराम बनाया गया था लेकिन नामुकम्मल रहा और सो कॉल्ड क्वीन चैम्बर और क्वीन किंग चैम्बर जिसमें ग्रेनाइट सरगोफिक्स होता है अहराम के ढांचे के अंदर ज़मीन से ऊपर हैं। ऐसे बताया जाता है जो किंग कूफू था उसका जो वज़ीर था हेमिनियो उसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इस ग्रेट जो पैरामिड है उसका आर्किटेक्ट था। बहुत से मुख्तलिफ साइंसी मतबादल मफरूज़े हैं जो दुरुस्त तमीराती तकनीकों की वजाहत करने की कोशिश करते हैं लेकिन इस तरह के दीगर जो स्ट्रक्चर हैं स्ट्रक्चर का मामला है कोई कतई इत्तफाक़ राय नहीं पैदा हो सका अभी तक। ग्रेट पैरामिड के इर्द गिर्द जनाजगाह के अहाते में एक कॉजवे से जुड़े 2 मुर्दा खाने शामिल हैं जो एक तो अहराम के करीब है और एक दूसरा दरिया नील के साथ वाक़िया है। किंग कूफू के करीबी ख़ानदान और दरबार के लिए बशमूल किंग कूफू की बीवियों के लिए 3 छोटे अहराम इसमें शामिल हैं। एक और छोटा सैटेलाइट अहराम और 5 शमसी बारक शामिल हैं इसमें। जी तो व्यूअर्स जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि मेरा प्लान बन गया कम्प्लेक्स पूरा घूमने का तो मैंने कहा चलें जो है वो कैमल राइड लेते हैं। वैसे तो जो रेट है वो तकरीबन $10 है इसका यानी 500 आप कह सकते हैं कि इजिप्शियन पाउंड लेकिन मैंने चूंकि पूरा राउंड का प्लान बना तो उन्होंने मुझे $40 का और आपको पता है हम तो पाकिस्तानी हैं बारगेन किया $25 में लेके आया और अब जो है मेरा $20 में फ़ाइनल हुआ है जबकि मैं पैनोरामिक व्यू भी देखूंगा इंशाल्लाह और साथ में जो है वो और भी बाकी विज़िट करेंगे और ये मुझे जो है वो फिर ड्रॉप करेंगे अंकल जो है वो कूफे पैरामिड के आगे जिसमें फिर मुझे इंशाल्लाह वो आप नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। दोस्तों कहते हैं ऐसा मानना था जो पेरूस थे ये जो फिरौन थे पहले कि मरने के बाद जो है वो हमें दूर दराज दफनाया जाए और फिर मकबरे बनाए जाएं और फिर इतनी मुश्किल जो है कंस्ट्रक्शन की गई
और साथ में ये दफनाने के साथ इनको जो जवाहरात थे, जेवरात थे, उनके साथ दफनाया जाता था और वो भी इसमें रखा जाता था। जो इनके ख्याल के मुताबिक जो है इनको अगली जो ज़िंदगी थी, नेक्स्ट जो लाइफ थी, उसमें काम आने थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वक़्त गुजरने के साथ साथ चोरों डाकुओं ने ना सिर्फ जो है वो सोने जवाहरात जो इनके साथ दफन थे या रखे गए थे वो चुरा लिए, बल्कि इनकी जो बॉडीज़ हैं उनको भी बाद में फिर शिफ्ट किया गया इजिप्ट के म्यूज़ियम में। व्यूअर्स, कैमल वाले जो अंकल हैं वो बता रहे थे जी माशाल्लाह तकरीबन 45 साल हो गए हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हुए। तो उन्होंने कहा जी मैं तमाम टूरिस्ट को यहाँ लाता हूँ और वाकई बड़ा ही खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। तीनों बड़े जो पैरामिड्स हैं, उसके अलावा तीन छोटे पैरामिड जो कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि इनकी किंग कूफो की बीवियों के लिए जो है वो तामीर किए जाते थे, और बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू है दोस्तों। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो हवा भी चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस है और बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता और घर बैठे हुए इसको महसूस नहीं किया जा सकता। इसको आप मौके पर आकर देखकर ही एंजॉय कर सकते हैं। Thank you sir, thank you. Bye. Bye. See you. You too. Thank you very much. बहुत ही breathtaking view है। इसकी history जो है वो मैं आपको इन तीनों की बताऊँगा। जब हम लोग देखते हैं TV में तो हमें बहुत जो है वो छोटे लगते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही जो है ना दूर हैं, खासा चलना पड़ता है। हालांकि मैं जो हूँ अभी सितंबर में, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया सितंबर, तो मैं सितंबर में यहाँ हूँ और सितंबर में भी मौसम, अभी हवा चल रही है, ऊपर हवा है लेकिन स्टिल जो है वो आप कह सकते हैं कि गर्मी है। रात में थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम, अभी गर्मी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें लोग उधर तक जा रहे हैं। Thank you.
हाय हाउ आर यू। व्यूअर्स, जिन अहबाब ने, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग जो है वो इससे भी ज़्यादा जो है वो मज़ेदार होने वाला है। और स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले।